हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एडम्स रिपोर्ट के बारे में, उसके फीचर्स, उसके रिकमेंडेशंस। बेसिकली एडम्स रिपोर्ट के बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। सो एडम की अगर हम बात करें तो ये 1835 की बात है। उससे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं कि एडम थे कौन एक्चुअल में, जिनके नाम पे ये रिपोर्ट है। सो विलियम एडम जो है इनका पूरा नाम था, ये स्कॉटलैंड से थे और क्रिश्चियन प्रिस्ट थे, यानी कि जो फादर बोलते हैं जिनको, तो इन ये क्रिश्चियनिटी में जो है वो बिलीव करते थे। लेकिन 1818 में जो है, 1818 में ये भारत आ गए और 27 साल तक जो है अप्रोक्स यहीं रहे। और इन 27 सालों के दौरान जो है वो राजा राम मोहन रॉय से मिले और वो काफी इन्फ्लुएंस्ड थे, उनसे काफी प्रभावित थे जो है राजा राम मोहन रॉय से। और वो इतने प्रभावित थे, इतने इंप्रेस्ड थे उनके व्यूज से, इंडियन व्यूज से, कि उन्होंने जो है इस चीज स्पेसिफिकली वो इस चीज को मानने लग गए थे कि हाँ, एक ही जो है वो भगवान होता है, सबका मालिक एक टाइप की सिचुएशन थी। और विलियम एडम ने फिर क्या किया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी जो है वो छोड़ दी और उन्होंने जो प्रीस्ट हुड यानी जो फादर का जो दर्जा था उससे क्या कर लिया, उन्होंने डिनाउंस कर दिया या वो अपने उससे हटा दिया, कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, आप ये बोल सकते हैं। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी हम बेंटिक की प्रोक्लेमेशन जो है वो पढ़ चुके हैं, बेंटिक ने ही जो है मैकाले को अपॉइंट किया था वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने जो है एडम को भी अपॉइंट किया 1835 में। किस चीज के सर्वे के लिए अपॉइंट किया, कि एजुकेशन के जो है वो क्या हालात हैं स्पेसिफिकली बंगाल और बिहार में। तो इन दो चीजों के लिए, बंगाल और बिहार के जो एरिया था उसके जो है वहां पे सर्वे करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको विलियम एडम को जो है अपॉइंट किया। और ऑब्वियसली चेयरमैन जो है वो एडम है, विलियम एडम है, इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम क्या पड़ा, एडम्स रिपोर्ट पड़ा। अब आपको एक छोटी सी स्टोरी जो है वो पता होनी चाहिए कि एडम ने तीन रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट की। एक रिपोर्ट में जो है उन्होंने क्या किया, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो है जितनी भी अब तक रिपोर्ट्स थी या कमीशंस बने थे उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया, उनका जिस्ट जो है वो उन्होंने बताया। सेकेंड और थर्ड रिपोर्ट जो है वो सर्वे उन्होंने किया। सेकेंड रिपोर्ट मतलब ऑब्वियसली सर्वे किया है, तो फर्क क्या है सेकंड और थर्ड में, तो जो सेकंड रिपोर्ट है और जो थर्ड रिपोर्ट है उनमें एरिया वाइज डिफरेंस है, कि उन्होंने अलग अलग जगह पे जो है सर्वे किया था। तो सेकंड रिपोर्ट में उन्होंने क्या देखा, नेटलोर जो है डिस्ट्रिक्ट, किसके डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, राजा राजशाही डिस्ट्रिक्ट में एक जगह थी नेटलोर, वहां पे उन्होंने सर्वे किया। थर्ड रिपोर्ट ने जो है वो फिर फर्दर 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, मतलब डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज हो गए एज कंपेरिजन टू सेकेंड रिपोर्ट। तो थर्ड रिपोर्ट में उन्होंने बंगाल और बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट को लिया, 5 जिलों को लिया, और फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इंडिजीनियस स्कूल सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। इंडिजीनियस यानी कि जो वहीं के हैं, जहाँ पे इंडिजीनियस किसी भी चीज को, जगह को, स्पीशीज को तब बोला जाता है जब वो सिर्फ वहीं से हो, वहीं पे पाई जाती हो। अब अगर फर्स्ट रिपोर्ट की हम बात करें तो उन्होंने ऑब्वियसली रिपोर्ट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो हमें करने की जरूरत भी नहीं होती। तो फर्स्ट रिपोर्ट में ये जो पैराग्राफ है एक, जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में डाला है, ये पैराग्राफ पे काफी जो है वो कंट्रोवर्सी रही। इस पैराग्राफ का जिस्ट अगर मैं आपको बताऊं एक लाइन में, अगर आपको सिर्फ मेंशन करना है उसके बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या उन्होंने बताया, उन्होंने जो वहां के इंडिजीनियस स्कूल थे या जो वहां के लोग जिन स्कूल्स को चलाते थे, आसपास के लोग, विलेजेस में, मान लीजिए गांव में कोई स्कूल है तो गांव वाले मिलके जो है उसके लिए थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं और उससे वो जो चलता है स्कूल जो है, तो वो स्कूल्स को इन्होंने बेटर बताया एज कंपैरिजन टू दो स्कूल्स जो कि सपोर्ट कौन करता था, जो रिलीजियस या फिलेंथ्रोपिक सोसाइटी या फिलेंथ्रोपिस्ट जिनको हम बोल देते हैं वो जो है सपोर्ट करें, उनसे बेटर जो है उन्होंने किसको बता दिया, कि जो नेटिव जलाते हैं वहां के, जो आसपास के लोग हैं, वो वाले स्कूल्स बेटर हैं। ठीक है, वहां से जो है ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब इनकी जो ये फर्स्ट रिपोर्ट थी, इसको सबके अपने अपने व्यूज होते हैं हर रिपोर्ट के ऊपर, तो सर फिलिप जो थे उन्होंने इसको मिथ बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे स्कॉलर्स थे आरवी पारुलेकर, उनका कहना था कि ये जो है रियलिटी के बारे में बताती है ये जो रिपोर्ट है हमें।
तो बेसिकली स्कूल की डेफिनेशन भी जो है वो अलग अलग थी, सर फिलिप के अकॉर्डिंग अलग डेफिनेशन थी और वो जो बाकी इंडियन नेटिव स्कॉलर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो है इसकी डेफिनेशन अलग थी। तो और ऐसे ही फर्दर जब हम अगली रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे एडम के अकॉर्डिंग जो है स्कूल की क्या डेफिनेशन है और एडम ने जो है स्कूल्स पे क्या कहा और उसने फिर क्या क्या बोला कि क्या क्या रिकमेंडेशंस उन्होंने दी, उस बारे में जो है ये बात करते हैं। तो हमें तीन रिपोर्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि तीन रिपोर्ट का मतलब क्या है। सेकेंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो है वो इनको मिले कि इन्होंने क्या क्या पाया, क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंड रिपोर्ट जो है वो सर्वे पे बेस्ड थी तो सर्वे इन्होंने किया, लेकिन इनको क्या मिला सर्वे में, इनको एज ऑफ स्कूलिंग का पता चला कि 8 साल में जो है एलिमेंट्री स्कूल जो है वो 8 साल में एवरेज एज है, जैसे आजकल 6 साल होती है वैसे 8 साल जो है वो क्या है एवरेज एज है एडमिशन के लिए और 14 साल तक एलिमेंट्री एजुकेशन या एलिमेंट्री स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब स्कूल्स फॉर द टीचिंग ऑफ कुरान की अगर बात करें तो 11 अरेबिक स्कूल्स जो हैं वो कुरान पढ़ाने के लिए वहां पे उनको मिले, ये उन्होंने फैक्ट्स बताए वहां पे जो उनको सर्वे में पता चले। अगर हम एलिमेंट्री स्कूल्स के टाइप्स की बात करें तो उनको 10 जो है बंगाली स्कूल्स और 4 पर्शियन स्कूल्स के बारे में पता चला कि वहां पे हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें किसी भी स्कूल में तो वो अप्रोक्स 10 मान सकते हैं कि अब 10 एक बच्चे जो है एक स्कूल में, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो 10 स्कूल है या ये जो 4 पर्शियन स्कूल है इनमें जो है 10-10 बच्चे आप एवरेज लगा के चलिए। अब एवरेज पे अगर हम बात करें टीचर की तो वो 5 से 10 रुपए पर मंथ जो है टीचर को मिलते थे, फीमेल एजुकेशन का कोई लेना देना ही नहीं था। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 6.1% था, लेकिन टोटल लिटरेरी परसेंटेज मेल और फीमेल के रेशियो की बात करें तो वो 3.1 की बात करते हैं। फिर इंडिजीनियस कॉलेजेस की अगर बात करें तो मुस्लिम्स जो है वो कोई इंडिजीनियस कॉलेज उनकी तरफ से नहीं बना था, 38 संस्कृत कॉलेजेस जो है वो इनको मिले और उन 38 संस्कृत कॉलेजेस में 397 स्टूडेंट्स थे। फीस अगर उस फीस की या बाकी चीजों की बात करें तो ये सारे के सारी चीजें फ्री होती थी, एजुकेशन जो है वो फ्री थी इनमें। अब अगर थर्ड रिपोर्ट की बात करें एडम की तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक पार्ट में क्या था जो वो सर्वे उन्होंने किया था 5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जो बिहार और बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स थे, सेकंड जो पार्ट था उसमें उन्होंने जो रिफॉर्म्स या जो रिकमेंडेशंस बताई क्या क्या होनी चाहिए इंडिजीनियस स्कूल्स के लिए वो जो है वो सेकंड पार्ट में इंक्लूड करते, क्योंकि 3 ही रिपोर्ट हैं। अब फर्स्ट रिपोर्ट और सेकंड रिपोर्ट के बारे में तो हमने जान लिया, अब थर्ड रिपोर्ट में उन्होंने सर्वे भी बताया और उसी के सेकंड पार्ट में क्या किया जो ओवरऑल उनको चीजें समझ आई उस बेसिस पे उन्होंने रिफॉर्म्स सजेस्ट किए। अब इन्होंने जो ये सर्वे किए थे ये किस बेसिस पे थे, मतलब उन्होंने डाटा जो है वो कैसे कलेक्ट किया था, तो अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं उस टाइम पे थाना बोल रहे हैं, तो एक थाना में यानी अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट मतलब मान लीजिए 5 डिस्ट्रिक्ट में अगर सर्वे हो रहा है तो 5 थाना जो है वहां पे एडम खुद जो है सर्वे करने गए और बाकी जो बच गए जो थाना उनमें क्या किया उनके जो एजेंट्स थे उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। तो बेसिकली एडम ने खुद जो है काम किया, खुद ग्राउंड लेवल पे जो है जाके चीजों को देखा। अभी सर्वे में भी काफी दिक्कतें आ जाती हैं, एक ट्रैवलिंग का इशू हो जाता है या कम्युनिकेशन का इशू हो जाता है या फिर लोगों को एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि सर्वे या किस चीज के लिए आपसे ये इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। मोस्टली जैसे कई बार जनगणना में भी लोग कई बार गलत चीजें बता देते हैं, तो वो ये है कि वो सस्पिशियस जो चीजें थी, जो सस्पिशन था लोगों के बीच में, उस वजह से जो मोटिव ऑफ सर्वे था कि क्यों करवाया जा रहा है सर्वे, तो उस वजह से भी कुछ डिफिकल्टीज जो है वो आ जाते हैं, वो हम मान सकते हैं। अब इन्होंने जनरल अभी जो इन्होंने 3 रिपोर्ट्स की या सर्वे किया तो उसके बेसिस पे इन्होंने जनरलाइजेशन किया एजुकेशनल एजेंसीज का, 7 कैटेगरी जो है वो इन्होंने बना दी। अब जिसमें से पहला है टाइप्स एंड एजेंसीज रिलेटेड टू स्कूल्स, कि किस किस तरह के स्कूल्स जो है वो इन्हें देखने को मिले। एक है इंडिजीनियस एलिमेंट्री स्कूल्स यानी वहीं के नेटिव लोग उसको चला रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स हैं नॉट इंडिजीनियस यानी कि न्यू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स रन बाय मिशनरीज एंड अदर्स, अगर वहां के नेटिव चला रहे हैं तो इंडिजीनियस, नहीं चला रहे हैं कोई और जो है उस स्कूल को फंडिंग दे रहा है या कोई और जो है स्कूल को चला रहा है जैसे मिशनरीज या और कोई लोग, तो वो इंडिजीनियस नहीं होगा। डोमेस्टिक एजुकेशन
स्कूल्स, ये इंग्लिश स्कूल्स, नेटिव फीमेल के लिए स्कूल्स, या फिर इंडिजीनियस स्कूल्स फॉर एडवांस लर्निंग, अडल्ट इंस्ट्रक्शंस, तो ये सब चीजों में उन्होंने पहला पार्ट जो है वो डिवाइड किया। दूसरे की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन जो है वहां पे देखा कि एडम का कहना था कि कोई ऐसा गांव नहीं था बंगाल में जहां पे प्राइमरी स्कूल ना हो, तो सब जगह पे थे। और एडम के अकॉर्डिंग स्कूल का क्या मतलब है कि वो प्लेस या वो घर जहां पे एजुकेशन दी जाती हो। बेसिकली आपका टीचर जो है वो टीचर भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो उस वजह से वो उसको क्या मान रहे हैं, एडम जो है वो स्कूल मान रहे हैं। इसीलिए जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे, 10 मान रहे हैं हम एक स्कूल में, तो वो एडम के स्कूल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है घर में अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको भी वो स्कूल ही मान रहे हैं। इस वजह से वो एवरेज नंबर जो है वो कम दिखता है। टीचर की सैलरी जो है वो ऑब्वियसली 5 से 8 रुपए पर मंथ हम बात कर चुके हैं। ड्यूरेशन की भी हम बात कर चुके हैं कि 8 से लेके 14 साल तक एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर है कोर्सेज ऑफ स्टडीज, यानी कि हिंदूज जो है वो जनरली किस में पढ़ते हैं, बंगाली और संस्कृत में, मुस्लिम्स जो है वो अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में पढ़ना प्रेफर करते हैं। एजुकेशन ऑफ वुमेन की अगर बात करें कि उनके नाम पे जो है पीपल, मतलब ज्यादा एजुकेशन नहीं है वुमेन की, इतना हम मान सकते हैं। स्कूल्स जो है वो सबके लिए ओपन है, ये इन्होंने एक पर्टिकुलर चीज देखी कि क्लास, कास्ट, सोसाइटी, इन सब चीजों के बेसिस पे ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बंगाल में, वहां पे जो है स्कूल सबके लिए ओपन है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया उन सर्वे के थ्रू। अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, उन्होंने सबसे पहले रिकमेंडेशन दी कि नई बुक्स जो है, नई टेक्स्ट बुक आप फर्स्ट से लेके फोर्थ क्लास तक लाइए, नई सीरीज बनाइए, पब्लिश कीजिए उनको। और वो तीन इन्होंने लैंग्वेजेस जो है बंगाली, हिंदी और उर्दू, इन तीन लैंग्वेजेस में प्रेफर की जाए बुक्स जो है बनाने में, या बुक्स टेक्स्ट बुक आप पब्लिश कर रहे हैं, तो ये तीन लैंग्वेजेस इन्होंने रेकमेंड की। और कौन बनाएगा उसको, आप इसको नेक्स्ट पॉइंट भी बना सकते हैं कि किस प्रिपेयर कौन करेगा इन टेक्स्ट बुक्स को, इंडियंस और यूरोपियंस जो है टीचर्स, या उनका कोलैबोरेशन होना चाहिए कि वो लोग मिलके टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि दोनों एस्पेक्ट जो है, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट भी और इंग्लिश वाला जो वेस्टर्न एस्पेक्ट है वो भी एजुकेशन में इंक्लूड हो सके। अब इन्होंने एग्जामिनर अपॉइंट किया हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि पहले सर्वे कंडक्ट करेगा, वहां पे जो बुक्स टेक्स्ट बुक्स जो है वो सप्लाई करेगा, वो टेक्स्ट बुक्स को एक्सप्लेन करेगा टीचर्स को, और उसके बाद वो ये भी देखेगा आफ्टर 6 मंथ कि सब सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये जो है ओवरऑल क्या था कि टीचर्स जो हैं उनको, उनके ऊपर भी जो है फोकस करने की इन्होंने बात कही। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की जो है इन्होंने बात की, और इन्होंने एक जो वर्नेकुलर डिपार्टमेंट होता है इंग्लिश स्कूल्स में, एक वर्नेकुलर डिपार्टमेंट था, वहां पे इन्होंने क्या कहा कि उसको नॉर्मल स्कूल्स जो है उसमें कर दीजिए, नॉर्मल स्कूल में तब्दील, ताकि वहां पे टीचर्स की ट्रेनिंग हो सके जो इंडिजिनियस स्कूल के टीचर्स हैं। तो उनकी ट्रेनिंग की इन्होंने बात की, और ट्रेनिंग में भी स्पेसिफिकली ये क्या बोलते हैं कि 1 साल में 3 महीने और कंटिन्यूटी में 4 साल तक, यानी 4 साल तक आप हर साल 3 महीने टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने विलेज के लिए, जो विलेज पे जो स्कूल्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए भी ग्रांट्स की बात की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्म्स फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन, कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक्सपेरिमेंटल फार्म्स होने चाहिए, वो भी इन्होंने बात की। अब इवेल्युएशन अगर हम ओवरऑल करें, ये दो जो स्लाइड्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां इन्होंने रिकमेंडेशन की बात की है, ये 5 से लेके 6 तक रिकमेंडेशन हैं। अब इवेल्युएट करें इसको तो ये काफी अच्छा जो है तरीका माना गया था, लेकिन इन्होंने क्या बोला था, एडम का कहना था कि आप जो ये मेरी रिपोर्ट है, जो मेरी सजेशंस हैं, आप उनको एक पर्टिकुलर एरिया पे या कुछ मतलब ट्रायल करके देखिए। लेकिन इसके ऑपोजिट मकाले ने जब रिपोर्ट दी थी, उन्होंने एक वर्डिक्ट सा या एक फैसला सा सुना दिया था कि इंग्लिश मीडियम की जो है, इंग्लिश मीडियम में दीजिए, जिन थोड़े बहुत लोगों को देनी है वो भी अपर क्लास लोगों को, वो हम मकाले मिनट में कर चुके हैं। तो मकाले ने जो है फोकस किया था कि सब पे अभी से अप्लाई कर दीजिए। एडम ने जो है ये बोला था कि आई एम श्योर अबाउट माय जो ये मैंने रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन इनके फाइनल एडॉप्शन से पहले आप सिलेक्टेड एरियाज में इसको अप्लाई करके देखिए।
तो यहाँ पे जो है वो कमी रह जाती है कि एडम की स्कीम जो है वो मास एजुकेशन पे बात कर रही थी, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो मिकाले की स्कीम के आगे दब सी गई, ऐसा मान लेते हैं। फिर है प्लान वॉज कंसिडर्ड एज इम्प्रैक्टिकल, एंड उसको इम्प्रैक्टिकल कर दिया गया कि भाई नहीं हो सकता ये पॉसिबल, प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन में, और जबकि वो एजुकेशन के ऊपर पैसा ज्यादा लगाना नहीं चाह रहे थे, और वो मिकाले ने भी बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप जिनकी जो इच्छा हो जिस टाइप से, वो दूसरी दो कमेटी हैं आपके पास ऑप्शन में, तो आप उसी की साइड प्रेफर करेंगे जो आपकी पर्सनल मेंटालिटी थी। तो ब्रिटिशर्स जो है वो वैसे भी पैसा नहीं लगाना चाहते थे एजुकेशन पे, फंडिंग नहीं चाहते थे, तो इसलिए मिकाले की जो है वो रिपोर्ट को ओके कर दिया गया कि हाँ जो है मिकाले मिनट जो है वो ओके रहेगा, और एडम की जो स्कीम थी उसको इम्प्रैक्टिकल बोल के, और एडम को जो है वो रिजाइन जो है करना पड़ा उस टाइम पे। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है नेशनल एजुकेशन सिस्टम वहां पे बन सकता था, वो वहां पे जो है वो मिस हो जाती है। ये हम इवैल्यूएशन में मेंशन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।